हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आशा करते हो गाइस आप लोग बढ़िया होंगे। गाइस गाइस आज वीडियो हम लोग बात करेंगे गाइस अपने वोटर कार्ड को कैसे लिंक करें आधार कार्ड से, गाइस या अपने वोटर कार्ड को कैसे वेरीफाई करें। तो गाइस जिनको पता है वो सिंपली वीडियो स्क्रिप्ट से जा सकते हैं। गाइस गाइस जिनको नहीं पता वो सिंपली वीडियो बने रहेंगे। तो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर हम हिंदी जन नए हैं तो प्लीज गाइस मेरी हिंदी जानकारी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मैं अगला वीडियो अपलोड करूंगा आप लोग देखने में आसानी हो। गाइस तो चलिए गाइस हम अपना फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले अपने फोन के प्ले स्टोर पर जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर हम सर्च कर लेंगे वोटर हेल्पिंग, देख सकते हैं आप लोगों ने मैंने सर्च किया, ठीक है। इसको आप लोग सर्च करिएगा, उसका से इसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। मैंने डाउनलोड कर रखा तो मैं डायरेक्ट इसको ओपन करूँगा, ठीक है। फिर यह थोड़ा प्रोसेस लेगा लोडिंग होने में, ठीक है। यहाँ पर कुछ ओपन होने में समय लग रहा है। फिर गाइस आपका इस तरह कुछ इंटरफेस आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट नंबर पर दे रहा वोटर रजिस्ट्रेशन, देख सकते हैं। इस पर आप लोग क्लिक करिएगा, ठीक है। अब गाइस यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर आपको यहाँ पाँच ऑप्शन मिला, ठीक है, देख सकते हैं आप लोग। जिसमें से आपको सबसे नीचे वाला जो है इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशन फॉर्म 6B, इसको आप लोग को भरना है, ठीक है गाइस। इस पर क्लिक करिएगा, फिर गाइस आपको कुछ इस तरह का लोडिंग आएगा, उसके से लिस्ट स्टार्ट करिएगा, ठीक है। फिर गाइस आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर ऐड करना है, ठीक है। तो आपको मोबाइल नंबर डालना है जिसका आप लोग को लिंक करना, ठीक है। तो आप लोग डालिए उसका मोबाइल नंबर डाल दीजिए, तो मैं डाल देता हूँ। उसके बाद सेंड OTP कर लेंगे। फिर गाइस आप थोड़ा OTP आने में समय लगा, थोड़ा वेट करिएगा आप लोग। जहाँ पर आपको लोग OTP आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लोग OTP डाल देते हैं। OTP डाल कैसे हमें वेरीफाई कर लेंगे। तो जैसे ही वेरीफाई करेंगे तो कैसे आपका यहाँ पर दो ऑप्शन मिलेगा, देख सकते हैं आप लोग। यस आई हैव वोटर ID नंबर, या आप दूसरा ऑप्शन मिल रहा है नो आई डोंट हैव वोटर ID नंबर, ठीक है। जैसे अगर आप कैसे क्लिक करेंगे उसको नेक्स्ट करते हैं तो यहाँ पर गाइस आप लोग को नाम से सर्च करने का ऑप्शन मिलेगा गाइस। तो गाइस आपको अगर करेक्ट डिटेल पता रहेगा इतना कुछ भरने के बाद तभी आप लोग को वोटर ID आएगा, ठीक है। अगर रॉन्ग डिटेल भरेंगे तो नहीं आएगा। तो हम बैक कर लेंगे, तो कोशिश करिएगा जिसका वोटर ID रहेगा उन्हीं का आप लोग करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट करेंगे या फिर यहाँ पर यस आई हैव वोटर ID नंबर पर क्लिक करके नेक्स्ट कर लेंगे। फिर गाइस आप अपना जो वोटर ID नंबर है उसको यहाँ पर एंटर करेंगे तो हम ये डाल देते हैं। उसके बाद स्टेट अपना चूज कर लेंगे, जो आपका स्टेट रहेगा स्टेट डाल दीजिएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको मतलब प्रोसीड इस पर क्लिक करिएगा, प्रोसीड कर लीजिएगा। पहले आप फिटिंग डिटेल्स पे क्लिक करिएगा, उसके बाद आप प्रोसीड पे क्लिक करिएगा। तो कैसे आपका जो डिटेल रहेगा उस वोटर ID नंबर का वो पूरा डिटेल यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, फिर यहाँ पर नेक्स्ट कर लीजिएगा। फिर कैसे आपका यहाँ कुछ डिटेल्स खुल के आ जाएगा, देख सकते हैं। जैसे आपको नाम दिखा रहा है, देख सकते हैं आप लोग जो भी आपका रहेगा वो सब दिखाएगा। फिर यहाँ पर आपको यहाँ पर देख सकते हैं आधार डिटेल देखते हैं, इस पर क्लिक करिएगा। यहाँ पर आधार नंबर आप लोग भर दीजिएगा। तो गाइस आपको आधार लिंक करना है वोटर ID से, आधार नंबर भरेंगे। गाइस अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है, कुछ और डॉक्यूमेंट्स से आप लिंक करना चाहते हैं तो उसको भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं नीचे आपसे मिला है I am not eligible, मतलब जो भी आधार कार्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट चूज कर लीजिएगा कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास है, ठीक है। तो यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं कौन कौन सा यहाँ पर आ रहा है, देख सकते हैं आप लोग। ड्राइविंग लाइसेंस आ रहा है, पैन कार्ड आ रहा है, स्मार्ट कार्ड आ रहा है, इंडियन पासपोर्ट आ रहा है, बाकी पेंशन डॉक्यूमेंट है। यहाँ पर कई सारे आपको देख सकते हैं आप लोग डॉक्यूमेंट मिल जा रहा है, नरेगा कार्ड जॉब है, देख सकते हैं। तो गाइस हम लोग किस को छोड़ देना, गाइस हम लोग को स्पेशली आधार कार्ड से इसको लिंक करना, तो हम लोग आधार कार्ड नंबर डालेंगे, ठीक है। तो इसको हम टिक हटा देंगे, यहाँ पर हम लोग आधार नंबर डाल देंगे जिनका लिंक करना रहेगा। ठीक है गाइस, उसके साथ देखते हैं आप उनका मोबाइल नंबर डालेंगे जिनका लिंक करना रहेगा। उसके बाद आप उनका मेल ID डाल दीजिएगा और या प्लेस पे उनका जो जिला रहेगा वो डाल दीजिएगा, ठीक है गाइस। इतना करने के बाद देख सकते हैं डन, इस पर डन कर दीजिएगा, यहाँ पर लोडिंग लेगा। फिर गाइस आप देख सकते हैं आपको कुछ फार्म इस तक खुल के आ जाएगा। यहाँ पर आपको पढ़ने के लिए 5 मिनट दिया जा रहा है पढ़ने के लिए, ठीक है गाइस। इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, उसका सेंस से कन्फर्म कर दीजिएगा, ठीक है गाइस। तो गाइस मैंने इसको पहले से ऑलरेडी भर रखा है इसलिए मेरा सबमिट नहीं हुआ। जैसे ही सबमिट होगा तो आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट मैंने लिया है, इस तरीके का आ जाएगा, ठीक है। तो गाइस आशा करता हूं को वीडियो अच्छा लगा होगा। गाइस कैसा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद गाइस।